वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ. तो सर्फेस ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, जी का वैल्यू कैसे चेंज होगा वो हमें चेक करना है, एंड उसका फॉर्मूला क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे. सो आज ये देखते हैं कैसे ड्राइव करना है. मान लीजिए कि ये अर्थ है, मास एम रेडियस आर, मास एम रेडियस आर अर्थ का, एंड ये सेंटर ऑफ द अर्थ. तो यहां से एच डेप्थ पे या डी डेप्थ पे, मान लीजिए कि यहां पे हम लोग एक पार्टिकल रख रहे हैं जिसका मास है स्मॉल एम एंड ये डेप्थ है डी. सरफेस ऑफ द अर्थ से ये डेप्थ डी है और ये रेडियस ऑफ द अर्थ आर. तो ये डिस्टेंस बन जाएगा आर माइनस डी. तो इसको एक सर्कल बना दीजिए, एक स्फेयर बना दीजिए इनफैक्ट. तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस डी, ये वाले डिस्टेंस आर माइनस डी, राइट. और यहां पे हमारा पार्टिकल है मास एम. तो देखिए मास, ये जो एम है ब्लॉक या पार्टिकल जो भी ये बॉडी है, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किन पार्टिकल्स की वजह से लगेगा और किन पार्टिकल्स की वजह से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा वो देख लीजिए. इस अर्थ को दो पार्ट में ट्रीट करते हैं, ठीक है. पहले तो अर्थ को यूनिफॉर्म मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का डेंसिटी यूनिफॉर्म है. रियल केस में वैसा नहीं है, बट इसको एज्यूम कर लीजिए कि अर्थ का जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, हर जगह डेंसिटी सेम है, ठीक है. तो ये सब पार्टिकल्स जो आर माइनस डी के बाहर है, ठीक है, इन सब पार्टिकल्स की वजह से नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑन द बॉडी जीरो होगा अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम. ओनली ड्यू टू दिस पार्टिकल्स, जिसे मैं ब्लू डॉट से दिखा रहा हूं, दीज पार्टिकल्स की वजह से नेट फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ऑन दिस बॉडी नेट फोर्स जीरो होगा अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम, राइट. ओनली ड्यू टू दीज पार्टिकल्स नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी जीरो होगा. बट इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा वो इन पार्टिकल्स की वजह से लगेगा, जिसको मैं अब रेड डॉट से दिखा रहा हूं. सो ऑन दिस ब्लॉक जो फोर्स लगेंगे वो इन पार्टिकल्स की वजह से लगेगा, जो रेड डॉट से दिखा रहा हूं मैं, जिसका रेडियस है आर माइनस डी. तो इन पार्टिकल्स की वजह से इस पे नेट फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा, बट इन पार्टिकल्स की वजह से जो ब्लू वाले मैंने डॉट्स दिखाया, उन पार्टिकल्स की वजह से नेट फोर्स, मैं नेट फोर्स की बात कर रहा हूं, जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शेल थ्योरम, राइट. तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ ये मॉलिक्यूल्स लगाएंगे, ये पार्टिकल्स लगाएंगे, राइट. तो इसका मास को एम डैश मान लीजिए, है ना, इसका मास को एम डैश मान लीजिए, जबकि टोटल मास है एम, टोटल मास है एम, राइट. तो फोर्स ऑन द ब्लॉक या जो भी पार्टिकल है, जो भी बॉडी है, ये वाले एम स्मॉल एम, सो फोर्स ऑन दैट, फोर्स इक्वल टू बन जाएगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर, बट एम डैश हमें लेना है, इसका मास लेना होगा हमें, क्योंकि इसका फोर्स तो लग नहीं रहा है, नेट फोर्स जीरो है. तो जी एम डैश एम बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ है और ब्लॉक जो है वो यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर माइनस डी है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट. ये क्वेश्चन वन हो गया, क्लियर है. यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ इन पार्टिकल्स के वजह से लगेगा, जबकि इन पार्टिकल्स के वजह से, इन पार्टिकल्स के वजह से नेट फोर्स, मैं नेट फोर्स का बात कर रहा हूं, जीरो होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स का फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स जीरो होगा इस पे. ओनली ड्यू टू दिस पार्टिकल्स का मैं बात कर रहा हूं, पहले इसका जीरो होगा और इसका फोर्स लगेगा कुछ ना कुछ. तो इसको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि आपका एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर है और इन दोनों के बीच का फोर्स का बात हो रहा है. तो इस सॉलिड स्फेयर को आप एज अ पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं, एज एट इट्स सेंटर एंड हैविंग मास एम डैश एंड रेडियस या डिस्टेंस आर माइनस डी. तो डिस्टेंस आर माइनस डी का स्क्वायर होगा जी एम बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर. एंड इफ जी डैश इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट, तो एफ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एम ए, बट एम जी डैश, एक्सेलरेशन को हमने जी डैश माना है वहां पे, राइट. सो क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है तो हम इक्वेट कर सकते हैं, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एम जी डैश इज इक्वल टू जी एम एम डैश बाई आर माइनस डी का स्क्वायर, स्मॉल एम गया, राइट. और ये एम डैश मास ऑफ द इनर स्फेयर, ये वाले पार्ट का बात हो रहा था, तो वो मास हमें फाइंड करना पड़ेगा. यूनिटरी मेथड से हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम को यूज करके. सो पूरा वॉल्यूम
ये वॉल्यूम का कॉलम है 4/3 पाई आर क्यूब, पूरा वॉल्यूम के लिए मास है एम, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब उसका मास है एम, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए मास हो जाएगा एम बाई 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो अभी जो अपना ये वॉल्यूम है जिसका मास हमें चाहिए एम डैश, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, क्योंकि ये छोटे स्फीयर का रेडियस अभी आर माइनस डी है। पूरा वॉल्यूम के लिए मास है एम, यूनिट वॉल्यूम के लिए मास होगा दिस मच, तो इतने वॉल्यूम के लिए मास क्या होगा, यूनिट मेथड 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, राइट। तो 4/3 पाई गया, 4/3 गया, 4/3 गया, पाई भी गया, तो ये आ जाएगा एम, एम डैश का वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ एम डैश का वैल्यू, एम बाई आर क्यूब इंटू आर माइनस डी का क्यूब, इनफैक्ट ये आर माइनस डी का क्यूब है, आर माइनस डी का क्यूब, राइट। सो दिस इज द मास ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, क्लियर है। और जी एम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ के लिए है, तो देयरफॉर जी एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी आर स्क्वायर, है ना। तो ये जी एम को हम लोग उससे रिप्लेस करेंगे जी आर स्क्वायर से, तो आ जाएगा जी डैश इक्वल टू जी आर स्क्वायर जी एम का वैल्यू आर माइनस डी का क्यूब बाई आर माइनस डी का स्क्वायर आर क्यूब, तो ये आर स्क्वायर और आर क्यूब यहां से एक आर बचेगा, राइट। और सिमिलरली आर माइनस डी का क्यूब और आर माइनस डी का स्क्वायर, तो यहां एक आर माइनस डी बचेगा, तो यह आ जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी आर माइनस डी बाई आर, राइट। तो इसको हम लोग फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी बाई आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बाई आर। और इस फॉर्मूला से भी आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे डी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे डी बढ़ेगा मतलब आप और अंदर जा रहे हैं सर्फेस ऑफ द अर्थ से, आप और अंदर जा रहे हैं डेप्थ में जा रहा है, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे सर्फेस ऑफ द अर्थ से, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे डी का वैल्यू बढ़ेगा, और अगर डी बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगा, तो इनफैक्ट ब्रैकेट का वैल्यू कमेगा क्योंकि यह माइनस है, है ना। तो डी बढ़ेगा तो ये ब्रैकेट का वैल्यू कमेगा, तो या आर एच एस कमेगा तो जी डैश कमेगा, तो जैसे जैसे डी बढ़ेगा डेप्थ में आप अंदर जाएंगे जी डैश का वैल्यू कमेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कमता चला जाएगा। और सेंटर ऑफ द अर्थ पे, सेंटर ऑफ द अर्थ पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो डी का वैल्यू आर बन जाएगा, है ना। जैसे ही आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे पहुंचेंगे डी का वैल्यू आर बन जाएगा, तो आर बाई आर वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो आ जाएगा, तो जी डैश का वैल्यू जीरो आएगा। सो सेंटर ऑफ द अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जीरो होगा, क्लियर है।